चैनल के पास तो कुछ है नहीं, वही फालतू फालतू चीज़ें दिखा रहे थे। ये सब तो क्या पॉलिटिकली क्रिएटेड चीज़ है, ठीक है, ऑल पार्टीज आर सेम, ठीक है, इसमें सब के सब मिले हुए हैं, आपस में मिल के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये कौन डिसाइड करेगा कि आप देशभक्त हैं या देशद्रोही? मैं खुद और दूसरा कोई नहीं डिसाइड। स्टूडेंट जो कि वोट कर सकता है, चुनाव में लड़ सकता है, क्या राजनीति में वो बात नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। अभी जितने पॉलिटिशियन हैं, पहले तो स्टूडेंट ही थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से वो थे जुड़े हुए, तो ये सब भी क्या पॉलिटिकल, सब पॉलिटिकल मैटर है, कन्हैया का कैसे कुछ भी, ये सब पॉलिटिकल है। क्या केवल सैनिक जो सरहद पे मरते हैं, तो जैसे टीवी रिपोर्टर्स कहते हैं कि तुम इस मुद्दे पे क्यों बात कर रहे हो, तुमने इस सैनिक के इस पे शोक नहीं जताया तो तुम देशभक्त नहीं हो, देशद्रोही हो, तो क्या ये सही है? न्यूज़ रिपोर्टर तय कर सकता है कि वो देशद्रोही? देखो ऐसा है, ये तो न्यूज़ रिपोर्टर का अपना व्यू है, जहाँ तक मेरा व्यू है, सैनिक की वजह से वी आर सेफ इन कंट्री, तो अगर उसको किसी भी सैनिक को कुछ होता है तो ये हमारे लिए सबसे दुख की बात है। इट डजंट मैटर, इसका ये मतलब नहीं है जो हम जो यहाँ पे रह रहे हैं और सैनिक नहीं है, वी आर नॉट मतलब पैट्रियट, हम भी पैट्रियट हैं, हाँ दे आर फाइटिंग मोर टू सेव आवर बॉर्डर्स, ठीक है। सो ये न्यूज़ रिपोर्टर्स हैव टू डिसाइड हु इज पैट्रियट और नॉट, वी विल डिसाइड। ये कन्हैया केस का कल ही हुआ था ना? आपको क्या लगता है कि हम लोग जो कोर्ट में जाते हैं, जो आखिरी जगह होती है न्याय, जो हमें लगता है कि न्याय मिलेगा, वहाँ पे अगर ऐसा बर्ताव हो तो क्या वो सही है? गलत है वो, तो वहाँ पे तो हर आदमी इसके लिए जाता है कि अपने को कुछ तो इंसाफ मिलेगा वहाँ पे, बट वहाँ पे जाके अगर ये चीज़ इनके साथ ही होती रहेगी तो अपन जाके क्या करेंगे वहाँ पे? इनका ही कुछ ठीक से रवैया नहीं रहेगा तो अपना कैसे चलेगा वहाँ पे? क्यों का जो हो रहा है उसको, उसके बारे में कुछ जानते हैं? मेरे को वो चीज़ में मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, मैं पहले ही बोला मैं न्यूज़ पेपर में ज़्यादा पढ़ता नहीं। रोहित भीमुला के बारे में कुछ पता है? रोहित भीमुला नहीं, में बोला ना भाई मेरे कुछ आइडिया नहीं है। गाना और म्यूजिक और फिल्म का ही ज्यादा देखते हैं। आप स्टूडेंट हो? रोहित भीमुला क्या था वो उधर, वो जिधर वो पढ़ रहा था या लीडरशिप कर रहा था वहाँ पे वो मालूम रहेगा, बराबर है, नॉट इन मुंबई। और ये जो JNU में हुआ, ये अगर वो रियल जो स्पीच दिया हुआ है तो देशद्रोही गिना जाएगा ना। आई एम वर्किंग इन BRC, दैट्स व्हाई आई टेल यू, क्या ये करेक्ट नहीं है? देशभक्ति में तो पूरा वो सब पैसे का खेल है और कुछ नहीं, इधर पैसा उधर ये चल रहा है बस, और फिलहाल कुछ नहीं, भ्रष्टाचार के हिसाब से सब चल रहा है। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि हम लोग देशद्रोही हैं? क्या ये एंकर्स डिसाइड करेंगे या फिर कोई सरकार डिसाइड करेगी? ये तो हम लोग खुद को मालूम पड़ना चाहिए ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, देशद्रोही कर रहे हैं या फिर देश की भक्ति कर रहे हैं, तो डिसाइड करने वाला कोई नहीं होता, सब अपने ऊपर डिपेंड है। सरकार के खिलाफ अगर उनकी नीतियों पे अगर कोई सवाल पूछता है कि ऐसा क्यों है, तो क्या एक्चुअली मीनिंग ऑफ JNU का जो मेन बेस है वो क्या है? पढ़ाई, बराबर है, प्रशिक्षण। वहाँ पे ये देशद्रोह के नारे जो लगाना वगैरह है और एब्सोल्युटली रॉन्ग। जिस देश में अपन पढ़ते हैं, पढ़ लिख के बड़े होते हैं, वो देश के बारे में ये अगेंस्ट बोलना गलत है। सर जो स्टूडेंट जो है जो वोट कर सकता है, जो चुनाव में खड़ा हो सकता है, तो उसका ओपिनियन अगर सरकार का कुछ सवाल उठा रहा है तो क्या वो गलत है? नहीं, सरकार की नीतियाँ अगर गलत रहेगी और उसके बारे में वो अगर ये वोटिंग कर रहे हैं तो वो उसका राइट है, लेकिन देश के बारे में जो बोलना है वो गलत है। वो जो वोट कर सकते हैं, चुनाव में खड़े हो सकते हैं, सरकार चुनने का अधिकार रहता उन्हें, तो उन्हें पॉलिटिकल चीज़ों पे कमेंट नहीं करना चाहिए क्या?
नहीं यार, करना तो चाहिए बट सिर्फ कमेंट करके कुछ मतलब नहीं, कुछ तो बाकी तो कुछ तो करना चाहिए, सिर्फ कमेंट करके और घर पे बैठ के कुछ मतलब नहीं है। कमेंट जैसे जेएनयू का हुआ तो उन्होंने यार ये बुरा है यार, ये होना नहीं चाहिए, ऐसा होता है वैसा होता है, हो गया खत्म, टॉपिक ही बंद हो गया। उसके आगे तो सोचना तो चाहिए। और स्टूडेंट अभी आके क्या क्या करेंगे, मतलब करेंगे तो बहुत सारे करेंगे, पर सपोर्ट के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, अगर सपोर्ट के लिए नहीं रहेगा तो फिर क्या मतलब है। ये पढ़ेंगे ना आप क्या, तो उसके बारे में बहुत कुछ निकलेगा। स्टार्टिंग से ये राष्ट्र के खिलाफ ही बोलते आए हुए हैं, ये नुका मेरे पास बुक पढ़ा हूँ मैं क्या, वो कोई ऐसा देश के साथ प्रेम भीम, वो मारा गया कौन, अफजल गुरु को फांसी दिया गया, वो क्या वो अच्छा, ये इंडिया ने अच्छा काम किया गलत काम किया, जो 100 लोग मारता है उसको फांसी देता है और उधर उसके लिए विद्रोह करते हैं, ये गलत है क्या, राइट है? मेमन को फांसी देते हैं, रोहित वेमुला उधर ये करता है, हाँ ये गलत है क्या, राइट है? फिर जो डिसीजन सरकार लेती है सोच समझ के लेती है, हाँ कोई भी सरकार होने दो क्या, तो ये जो देशद्रोह के खिलाफ बोलने वाला है वो देश के खिलाफ बोलने वाले को, ये शासन क्या होता है वो गवर्नमेंट के हाथ डिसीजन ले। तुम पढ़ाई करने जाते हो तो पॉलिटिशियंस का साथ मत लो ना, ओनली फॉर यू डू योर वर्क। आप जब देश के बारे में सोचते हो, जिस देश में पढ़ाई करते हो, जिस देश में बड़े होते हो, पदवी लेते हो, उस देश के बारे में अगेंस्ट नारे लगाएगा तो गलत बात है। जो रोहित भीमला का केस हुआ उसके बारे में क्या बोलना है, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं लेकिन बाहर कुछ पता नहीं चल रहा है उसके बारे में अभी, उसका तो नहीं पता, बट ये जेएनयू का अभी हम न्यूज़ पे देख रहे थे, ये कन्हैया का, तो इसके अलावा रोहित भीमला के तो मुझे मैं कमेंट नहीं कर सकता। तो जेएनयू के कन्हैया कुमार के बारे में क्या है? बस यही न्यूज़ पे मैंने न्यूज़पेपर पे तो नहीं देखा है, बट न्यूज़ पे देखा है कि लाइक बस्सी ने सुबह कुछ और कमेंट किया, इवनिंग में कुछ और कमेंट किया, और लाइक इन्होंने कुछ पुलिस वालों ने पहले उन्हें मतलब उनके ऊपर ये पहले उनको आरोप लगा रहे थे एंड देन अभी उन पुलिस वाले ही उनको बचा रहे हैं, इस टाइप से कुछ तो न्यूज़ में आ रहा था। मीन्स कमेंट्स जो थे सुबह और शाम में वो चेंज हो जाते हैं, तो हम वी कैन नॉट बिलीव कि क्या सही है, हमें तो जो न्यूज़ में दिखाया जाएगा वही हम बिलीव करेंगे, राइट? आपके हिसाब से आप देशद्रोही हैं या नहीं, ये सर्टिफिकेट किसी को देने का अधिकार है? आई डोंट थिंक किसी को देने का अधिकार है, क्योंकि खुद का एथिक्स जो होता है वो खुद बता देगा कि देशद्रोही हो या नहीं। सी आप किसी को कुछ और भी दिखाओगे बट अपने अंदर से आपको पता है कि आप क्या हैं। क्या सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाना देशद्रोह है? जी नहीं, क्योंकि कुछ नीतियाँ ऐसी बनी है जो हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट? क्योंकि हर बंदा कुछ अलग सोचता है, मे बी अगर वो जो सोचता है और उसने कर दिखाया और रियली इट इज़ इन फेवर ऑफ नेशन, देन इट इज़ नॉट देशद्रोह, राइट? आपके लिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद क्या है? आपस में मिल के रहना, ये देशभक्ति है, थिंक गुड फॉर योर कंट्री। राष्ट्रवाद क्या है, अभी क्या बोल सकता हूँ उसके बारे में, देशभक्ति तो सिर्फ नाम के लिए रही है, बाकी कुछ नहीं रही है। देश 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 साला इधर ही रह के इधर ही खाते और इधर ही थूकने का काम करने वाले भी यही है अपने जैसे ही, सिर्फ नाम के लिए यहाँ पे काम के लिए आते हैं बस, अपने अपने सिटी में अपना काम हो गया बस, हो गया पैसा मिला बाकी ख़त्म हो। राष्ट्रवादी भी वैसे ही हो चुका है, कुछ नहीं रहे अभी। नेशनलिज्म मेरे हिसाब से पूरा पॉलिटिकल का खेल है ऐसे, और कुछ नहीं। आपके लिए नेशनलिज्म क्या है, पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म वो कैसा और कुछ ऐसा है क्या ऑप्शन में, जैसा तो मैं उस हिसाब से बताऊँगी। देशभक्ति, देश से प्यार करो, देश का जो भी जेएनयू बोलिया तो जवाहरलाल नेहरू ये दिल्ली में आया बोला तो इंडिया में ही है ना जी, तो इंडिया में है तो इंडिया के अगेंस्ट में जो बोलेगा वो गलत ही है। और राष्ट्रवाद क्या है आपके लिए? राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद बोले हो तो क्या, राष्ट्र से प्रेम करो, बात बोले हो तो जहाँ पे अपन पैदा हुए, जहाँ पे अपन पढ़ लिख रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, लीडरशिप करो, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन देश के अगेंस्ट में जाके मत करो। इन दोनों में अंतर क्या है, राष्ट्रवाद और देशभक्ति में? देशभक्ति में बोले हो तो देश से प्रेम करना, यही ना भक्ति अपनी। और राष्ट्रवाद में? वाद में बोले तो ये गलत सलत बकेगे तो वाद ही होएगा ना। देशभक्ति और नेशनलिज्म आपके लिए क्या मायने रखता है, क्या कहना चाहते हैं? ये तो एक्चुअली ये सभी के लिए इंडिपेंडेंट थॉट्स हैं, ये जो बंदा क्या सोचता है उसके बारे में, राइट?